नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, तुलसी की पूजा तीन महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे भयंकर पाप माना जाता है। इन तीन महिलाओं को तुलसी के आसपास कभी भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें, तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधि गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, बन तुलसी और नींबू तुलसी, लेकिन घरों में मुख्य रूप से राम तुलसी, श्याम तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की प्राप्ति भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तीन महिलाओं को तुलसी पूजा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता का अपमान माना जाता है, तुलसी माता क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, तुलसी की पूजा इन तीन महिलाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए, लगता है भयंकर पाप। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पुरानी मान्यता है, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था और जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठा था, दुर्योधन ने दुसाहस को द्रौपदी को लाने भेजा। कहा जाता है उस समय द्रौपदी रजस्वला मासिक धर्म के दौरान थी। वो एक अलग कमरे सिर्फ एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से यह तो साफ हो जाता है कि यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को कोप भवन में रहना होता था। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ बगैर और तुलसी पूजा ऐसे समय में कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भाव अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से माता तुलसी हमेशा क्रोधित रहती और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी माता तुलसी पूजा स्वीकार करेगी। दोस्तों, खास तौर से सुहागन स्त्री के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और सात जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ सात फेरे नहीं लिए तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास गलती से भी ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बतौर सात फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप सात फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। सात फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ फेरे लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती।